एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। ये एक ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है और इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ NH-48 की जो करंट सिचुएशन है उसको। तो मैं आज जयपुर की साइड में जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ में। क्यों जा रहा हूँ वो अभी आप लोगों को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो सबसे पहले करते हैं अपने दोस्त को पिक। बस ऑलमोस्ट उसकी पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। बताना क्यों जा रहे हैं हम जयपुर? हैं? जल्दी बता, इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी नहीं करनी। नहीं बताना क्या? बता दे। एग्जाम बताना बस। किसका एग्जाम है यही बताना है? नहीं ये बता दे बस एग्जाम। हाँ तो एग्जाम लेने जा रहे हैं, भाई का एग्जाम है तो भाई बस और ट्रेन से नहीं जा सकता था इसलिए भाई मेरे को बुक करके जा रहा है। कमेंट करेंगे पब्लिक, भाई कितना लेते हो? ओके, दिल्ली को एग्जिट करके गुड़गांव में आ चुके हैं और ये जो गुड़गांव वाला पैच है NH-48 का मानेसर टोल प्लाजा तक का, ये तो मस्त 8 लेन का बना हुआ है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो मेंटेनेंस जो अच्छी खासी होती है। और जो एक्चुअल में दिक्कत स्टार्ट होती है वो मानेसर टोल प्लाजा को क्रॉस करके होती है। Okay, पहला टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया मानेसर का, अब असली खेल चालू होता है इसको क्रॉस करने के बाद। मानेसर टोल प्लाजा से 40 किलोमीटर से ज्यादा आ चुके हैं जयपुर की तरफ और दिल्ली से जयपुर वाला ये जो पैच है इस साइड का ये तो अभी तक ठीक मिला है। बस ट्रक ट्रैफिक मिलता है जो इस रोड पे मिलता है NH-48 के ऊपर, बाकी अभी तक कोई दिक्कत फील नहीं हुई है। 2-3 पैच है छोटे छोटे से लेकिन वो भी भर दिए गए हैं। दादा बता कहाँ लगाओ? इसके व्हाइट वाले ट्रक के पीछे जाते हैं। बस के पीछे लगा, जल्दी जल्दी बस के पीछे ले, बस के पीछे। ओके, सेकंड टोल प्लाजा के ऊपर पहुंच चुके हैं और रोड की कंडीशन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं हुई जितना मैं सोच रहा था कि खराब मिलेगी। और स्कैन हो गया, रेड लाइट जला रखी है तो बैरियर उठ गया इसलिए पता चल गया। थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, यहाँ रेड दिखेगी पर आप निकल जाना जब वहाँ लिखा जाए फास्टैग वैलिड। वैलिड टोल से जो आगे वाला फ्लाईओवर आता है
उसके ऊपर इस साइड में ब्लैक टॉप का काम किया गया है। ये नई लेयर है ब्लैक टॉप की, साइड वाली जो लेन है उसके ऊपर अभी ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो वापस से पुरानी वाली लेन आ गई है, मतलब यहाँ पे ब्लैक टॉप को तोड़ दिया गया है, यहाँ पे ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाएगा। अभी पिछले वाले फ्लाईओवर से जैसे ही उतर के आए हैं तो ये करीब 1.5 किलोमीटर का पैच है जहाँ पे ब्लैक टॉप को तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाएगा। Okay, पहला स्टॉप लिया है सीएनजी भरवाने के लिए क्योंकि घर से चल चुके हैं 137 किलोमीटर। ओके, गैस भरवा लिया, वापस से NH48 के ऊपर आ चुके हैं। कंडीशन आप देख ही रहे हो अच्छी हो रखी है। अभी मैं चल रहा हूँ 90 की स्पीड पे और जहाँ पे हमें जाना है वहाँ का डिस्टेंस रह गया 122 किलोमीटर का। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, कवर करते हैं अपने इस 122 किलोमीटर को। ओके, कोटपुतली पहुंच चुके हैं और मानेसर टोल प्लाजा से ड्राइव कर लिए है 110 किलोमीटर के अराउंड और कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक ड्राइव करने में। रोड की कंडीशन ठीक है, जितनी मेरे को लग रही थी ख़राब होगी उतनी ख़राब नहीं है, मच बेटर है। अभी कोटपुतली में ही है, थोड़ा सा ट्रक ट्रैफिक हो रखा है क्योंकि बीच में यहाँ पे ये बैरिकेडिंग की हुई है ना, इसीलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया तुम भी जाओ, चलो बढ़ते हैं आगे। और ये क्रॉस कर लिया तीसरा टोल प्लाजा। ओके, जयपुर बाईपास की स्टार्टिंग पे पहुंच गए हैं। इस साइड में है जयपुर बाईपास का एंट्री पॉइंट, हमको यहाँ से सीधा बढ़ना है जयपुर की तरफ, बाईपास नहीं लेना है। हम जा रहे हैं कुकस जो करके छोटा सा टाउन आता है वहाँ पे। ओके, एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं। जतिन एग्जाम देने के लिए अंदर चला गया। राइट नाउ टाइम हो रहा है 11:30, एग्जाम खत्म होगा 2:30 बजे, तो अगले 3 घंटे तक मेरे को उसका वेट करना है और ऐसे गाड़ी में मस्त रिलैक्स करना है। तो मिलते हैं 3 घंटे के बाद में। ओके, एग्जाम से भाई आ गया है, अब बढ़ रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। सबसे पहले लेंगे, अभी लंच करेंगे तो एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस साइड की रोड दिखाता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। दिल्ली से जयपुर की तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ओके, ये आ गया जयपुर बाईपास और अब हम जो जयपुर की पुरानी रोड है उसको क्रॉस करके दिल्ली की साइड में आगे बढ़ रहे हैं। अब दिखाता हूँ रोड कंडीशन कैसी है, उससे पहले अभी लेते हैं ब्रेक अपना लंच ब्रेक। टाइम हो रखा है 3:20। पहला टोल प्लाजा जब जयपुर की साइड से आएंगे वो, तो
तो अभी तक इस टोल प्लाजा तक जो रोड है वो थोड़ी ऊबर खाबड़ तो है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। गाड़ी आराम से 70-80-90 आप चला सकते हो। चलो इसको क्रॉस करते हैं, बढ़ते आगे। ओके, शाहपुरा में अभी, और थोड़ा सा जाम लग रहा है, मतलब जाम नहीं, ट्रैफिक रोका हुआ पुलिस ने, 1x1 जा रहा है दूसरी साइड से ट्रैफिक। निकल तो आया उस ट्रैफिक से, बढ़ते आगे। और ये लगा दी हमने गाड़ी पार्किंग में। लंच डन। चलो अब आप लोगों को दिखाते हैं ड्रोन शॉट्स थोड़े से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। मैंने ज़्यादा ड्रोन शॉट नहीं लिए, थोड़े से लिए, क्योंकि घर भी पहुँचना अंधेरा हो जाएगा इसीलिए। चलो बढ़ते आगे। अभी नीमराना का डिस्टेंस है 66 किलोमीटर के करीब का। तो उसके बाद में जब मैं अम्बाला से आ रहा था तो वहाँ पे रोड की कंडीशन ख़राब थी, नीमराना से लेके दिल्ली मतलब गुड़गांव तक। अब देखते हैं अभी भी कंडीशन ख़राब है कि नहीं। कोटपुतली से आगे की साइड में आ चुका हूँ और जयपुर बाईपास से लेके यहाँ तक ये वाला जो पैच है जयपुर से लेके दिल्ली का अभी तक का, ये थोड़ा सा रफ है। अगर मैं दूसरी साइड से कंपेयर करूँ तो ज़्यादा बुरा नहीं है। आपकी गाड़ी अगर आप चलाओगे ढंग से तो 80-90 चला सकते हो, ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से आगे का जो पैच है नीमराना का और नीमराना से आगे की साइड का, ये लास्ट टाइम ख़राब था जब मैं ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को शूट करके आ रहा था उस टाइम पे। तो अब देखते हैं ये ख़राब है या पैच जो है वो रिकवर कर दिया है। ओके, नीमराना वाले टोल प्लाजा के ऊपर पहुंच चुका हूं और नीमराना वाले एरिया में रोड की कंडीशन जो है वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है। यहां पे अभी रिपेयरिंग का जो काम है वो किया गया है, लेकिन अभी पूरे तरीके से किया जाएगा। अभी कुछ पैच रह गए हैं जो थोड़े ऊबड़ खाबड़ हैं। और ये हमने टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया, अब एक टोल प्लाजा और रह गया है मानेसर वाला। देख सकते हो साउंड कितनी ऊबड़ खाबड़ है यहाँ पे टोल प्लाजा के पास में ही। चलो बढ़ते आगे।
48 से उतर के नीचे की साइड में आए हैं गैस भरवाने के लिए, क्योंकि जो हमने नीम राना में सुबह गैस भरवाई थी उसके बाद गाड़ी चल चुकी है तो 276 किलोमीटर, और गैस भरवा के वापस आके NH48 के ऊपर अब यहाँ से घर का डिस्टेंस अराउंड 120 किलोमीटर करीब है। देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं, राइट नाउ टाइम हो रहा है 6:18, अंधेरा हो चुका है। GoPro से शूट कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा रोड की कंडीशन दिखा नहीं सकता, लेकिन बता सकता हूँ कैसी हो रखी है। तो अभी तो ख़राब हो रखी है पैच। चलो बढ़ते आगे। मानेसर टोल प्लाजा के ऊपर पहुंच चुके हैं और बीच में मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, और इस साइड का जो पैच है वो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में तो काफ़ी सही हो गया है। बहुत सारे जो गड्ढे थे उनको भर दिया गया है, और एक दो जगह पे जो पैच काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे वहाँ पे ब्लैक टॉप का काम कर दिया गया है। लेकिन इस साइड का जो अभी पैच है पूरा नीमराना से आगे ही साइड का है मानेसर तक का, ये काफ़ी ख़राब है लेकिन लास्ट टाइम के कंपैरिजन में काफ़ी सही हो गया है। गाड़ी की स्पीड थोड़ी डाउन हो जाती है, और बाकी शाम के टाइम पे ट्रक ट्रैफिक बढ़ जाता है तो काफ़ी गाड़ी देख के चलानी पड़ती है। बाकी इस बार इतनी मेरे को दिक्कत नहीं हुई जितनी लास्ट टाइम हुई थी। चलो इस वाले टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे।